ऊर्जा मंत्री ने किया बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के विकास कार्यों का निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहिए हमारे साथ छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में दर्शन के लिए आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मंगलवार की देर शाम को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एवं श्री राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन और पूजा कर आशीर्वाद लिया। वहीं ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास के गलियों में प्रोफेसर पेयर पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत विश्व बैंक के सहयोग से कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जहां कुछ कार्यों में कमियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई तथा संबंधित अधिकारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों से पूर्व की अपेक्षा वर्तमान की व्यवस्था के बारे में जानकारी की। वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं के स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील के साथ ही उन्होंने बताया कि आसपास कुछ और गलियों में कार्य होना उनके भी जल्दी सर्वे कराकर कार्य कराया जाएगा। पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए हमारी सरकार ने करो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और अभी और काम बहुत होना बाकी है। तो जो हमारी 28 गली में जो काम है वो बाकी संघ जो लगती वही लगभग 25-26 गली और हैं, उनको सर्वे करा के उनको प्रस्ताव वगैरह बनवा के तो वो गलिन को काम जल्दी ठीक है जाए। बाबू के सब प्रस्ताव नगर निगम से कह के बनवाए हैं। तो वृंदावन में जो श्रद्धालु आम हैं तो भगवान के दर्शन करके जाएं, और यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी भई है और 24 घंटे सफाई की व्यवस्था यहाँ होते हैं। श्रद्धालु आमे बनने सब वो सुविधाएँ मिले जो जिनके वो हकदार हैं। यहाँ साफ सफाई में सब ब्रजवासी सहयोग कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे सफाई है रही है। वहाँ सब हम भक्तन तो अपील करें और ब्रजवासीन तो अपील करें, वृंदावनवासीन तो अपील करें कि जो इस पवित्र स्थान के लिए जो पवित्रता है इस स्थान की, उसको बनाए रखने के लिए साफ सफाई पर सब लोग बहुत ध्यान दें और सब सरकार का सहयोग भी करें।